वेलकम टू माय चैनल। नमस्कार, मैं हूं विकास दे, मेमोरी ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड करियर कंसल्टेंट। आज का जो टॉपिक है एक बहुत ही ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक है। वे एक ऐसी जॉब का बारे में हम बात करने जा रहे हैं जो देश का नंबर वन जॉब, ये केवल जॉब नहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देश को जो चला रहे हैं, हमारा डेमोक्रेसी को जो चला रहे हैं, जो गवर्नमेंट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहा है, जो लॉ एंड ऑर्डर्स को मेंटेन कर रहा है, जो टोटल सिस्टम को चला रहा है, वो है सिविल सर्विस। उसी सिविल सर्विस के बारे में आज बताएंगे। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा IAS, ऐसी इंडिया में कोई एग्ज़ाम नहीं होता है जिसका नाम IAS। एक्चुअल में जो एग्ज़ाम है वह है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इसके तहत 20 अलग अलग पोस्ट में रिक्रूटमेंट होता है। रिक्रूटमेंट करता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो उसका सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, तीन अलग अलग फेजेस में। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे एक IAS लेवल का ऑफिसर बनने के लिए। IAS मीन्स नॉट ओनली IAS हो गया, IPS है, IRS है, IFS है एंड अलाइड सर्विसेज है। ये सारे सर्विसेज लगभग जो सैलरी स्ट्रक्चर एक ही जैसे होते हैं, लगभग जो सर्विस कंडीशंस एक ही जैसे होते हैं। तो ये जो सर्विसेज है वो ये जो ए ग्रेड का सर्विस है, इंडिया का जो टफ सर्विस है, इस सर्विस में एंट्री करने के लिए आपको आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपका एज क्राइटेरिया क्या है, आपको आपका मार्क्स कितना होना चाहिए क्वालिफाइड एग्जामिनेशन में, कितने वैकेंसीज है, आपको कब फॉर्म फिलअप करना है, आप कितने स्टेजेस में एग्ज़ाम्स है, कहाँ पे एग्ज़ाम्स है, और उस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आप कैसे लेंगे, कौन सी किताब पढ़ेंगे और क्या क्या स्ट्रेटेजी आपको अपनाना है, ये सारे चीज़ हम बताएंगे आज का इस वीडियो में। तो देखते रहिए ये वीडियो, और वीडियो में जाने से पहले मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच पाए। तो चलते हैं मेन वीडियो में, देखते रहिए। एक IAS ऑफिसर कैसे बने? अगर आपका दिल में कहीं एक सपना है कि IAS बनना, कि आपको IAS बनना है, या फिर आपका बच्चों को या रिश्तेदार को IAS बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जानकारी ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। तो सबसे पहले देखते हैं IAS होता क्या है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट किया जाता है हर साल, इसका 24 अलग अलग सर्विसेज एंड कैडर्स होता है, जिसमें से एक है IAS यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ऐसे ही जो एग्ज़ाम होता है, इसमें जो लोग इस एग्ज़ाम में जो क्वालिफाई करते हैं, जो मेरिट लिस्ट बनता है, इसमें टफ 100 के आसपास जो लोग होते हैं उनको IAS पोस्ट मिलता है। उसके बाद प्रायोरिटी में IFS एंड IPS, उसके बाद और बाकी 21 अलग अलग अलाइड सर्विसेज होते हैं। मेरिट लिस्ट और आपका ऑप्शन, इसका मुताबिक आपको सर्विसेज मिलता है। अब देखेंगे मोस्टली जो क्यूरियोसिटी हमारा रहता है IAS पोस्ट में कौन कौन सा पद मिलता है। देखिए, अगर आप अराउंड टॉप 100 में आप है, अपना चॉइस आप अगर आपने IAS के लिए दिया हुआ है, तो आपको IAS कैडर मिलेगा। आप एक बार IAS कैडर में ज्वाइन किया तो सबसे पहले तो आपका ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग के बाद आपका जो पोस्टिंग होगा वो मोस्टली जो पोस्टिंग स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव में हुआ, तो आपका सबसे पहले जो है SDM यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट पोस्ट में आपका अपॉइंटमेंट होगा। SDM के बाद आपका नेक्स्ट जो पोस्ट आता है वो है ADM यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट इससे जो प्रमोट होकर आप बनते हैं वो है DM यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसी तरह का इक्विवेलेंट जो पोस्ट होते हैं सेंट्रल सेक्रेटरिएट सर्विस में, सेंट्रल सेक्रेटरिएट सर्विस और अदर एलाइड सर्विसेज में इसी तरह का पोस्ट होते हैं, जिसका सैलरी एंड अदर कंडीशंस इक्विवेलेंट होता है। सिमिलरली IPS, IFS एंड अदर सर्विसेज का भी जो
पोस्ट प्रमोशन एंड सैलरी स्ट्रक्चर लगभग एक ही जैसे होते हैं, बट सबसे जो पावरफुल पोस्ट माना जाता है वो है IAS। एलिजिबिलिटी क्या आना चाहिए? एलिजिबिलिटी में सबसे पहले देखेंगे कौन कौन एलिजिबल है। देखिए, फर्स्ट थ्री कैडर्स यानी कि IAS, IFS एंड IPS, ये तीनों कैडर के लिए इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। अगर आप बाकी पोस्ट चूज करते हैं तो उसके लिए या तो आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए, नेपाल या भूटान का सिटीजन होना चाहिए, या फिर आप अगर माइग्रेटेड है, तिब्बत, पाकिस्तान, ऐसे ही हमारा जो नेबर कंट्री है, ऐसे कुछ देशों से आप अगर माइग्रेट हुए हैं तो एक कट ऑफ डेट है, उससे पहले का अगर आप माइग्रेटेड है या और आप इस देश में परमानेंटली रिसाइड कर रहे हैं तो आप फिर इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। बट IAS, IPS एंड IFS के लिए जरूरी है इंडियन सिटीजन होना। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या है। मिनिमम एज 21 ईयर्स होना जरूरी है। जनरल के लिए 21 टू 32 ईयर्स, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल टाइप के लिए 21 टू 37, OBC के लिए 21 टू 35, एक सर्विसमैन जो 15 ईयर सर्विस किया हो और पेंशन मिल रहा हो ऐसे एक सर्विसमैन के लिए 21 टू 37 ईयर्स, और डिसेबल एक सर्विसमैन के लिए 21 टू 35 ईयर्स। अब देखेंगे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में बैठने के लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप केवल पास ग्रेजुएट है तो आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, जैसे कि BA, BCom, BSc या फिर अन्य विषयों में आप अगर बैचलर डिग्री हासिल किया हो तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। तो ये देश का सबसे बड़ा नौकरी, सबसे बड़ा जॉब है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी टॉपर होना चाहिए या फिर IIT से पास होना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पास है, चाहे किसी भी मोड में पास हो, आप रेगुलर हो या फिर करस्पॉन्डेंस डिस्टेंस एजुकेशन से भी आप अगर ग्रेजुएशन किया हो तो भी आप एलिजिबल है। अब देखेंगे इसका फॉर्म फिलअप कब होता है, कैसे होता है। देखिए, UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हर साल कंडक्ट होता है। इसका जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट में आपको फॉर्म फिलअप का रिलेटेड सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। फिर भी मैं बता ही देता हूँ, इसका जो नोटिफिकेशन है मोस्टली साल का शुरू में देश का लीडिंग न्यूज़पेपर्स में और इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है फरवरी 2020 में निकला था, और एक महीने का समयकाल होता है। इसके अंदर आपको अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबल क्राइटेरिया है वो आपको मैंने बता ही दिया। अगर ये सारे क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं, एज, क्वालिफिकेशन एंड सिटीजनशिप, तो आप सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देश के सभी शहरों में, सभी स्टेट में, सभी शहरों में आयोजित होता है, और जब प्रीलिम्स में आप पास हो जाते हैं तो मेन एग्जाम आता है। मेन एग्जाम कुछ सिलेक्टेड सिटीज में होता है, देश का हर सिटी में, हर जगह में नहीं होता है, जिसका लिस्ट मैंने इसमें दे दिया, आप देख सकते हैं। अब देखते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। जनरल कास्ट के लिए मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट्स, आप 6 टाइम्स इस एग्ज़ाम को अपियर कर सकते हैं। आप अगर एक बार प्रीलिम्स एग्ज़ाम अपियर किया तो एक अटेम्प्ट माना जाएगा, ऐसे टोटल 6 बार आप कोशिश कर सकते हैं। SC ST के लिए कोई अटेम्प्ट का लिमिट नहीं है, अप टू द मैक्सिमम एज लिमिट आप अपियर कर सकते हैं। OBC के लिए कुल अटेम्प्ट्स है 9, सब्जेक्ट टू आपका मैक्सिमम एज लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए। और सिमिलरली इस साल से जो शुरू हुआ है EWS कैटेगरी, EWS के लिए भी 9 अटेम्प्ट्स परमिटेड है। अब देखेंगे इसका एग्ज़ाम क्या होता है, कितना स्टेजेस होते हैं। देखिए, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 3 स्टेज में पूरा होता है, प्रिलिमिनरी एग्जाम्स, मेन एग्जाम्स और इंटरव्यू यानी पर्सनालिटी टेस्ट। फर्स्ट स्टेज इसका होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, वो होता है ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप का क्वेश्चन होता है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन होते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 2 पेपर होते हैं, एक GS पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 जो होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मेन एग्जाम जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें टोटल कुल 9 पेपर्स होते हैं।
9 पेपर में से 7 पेपर्स ऐसे होते हैं जिसका मार्क्स आपका मेरिट लिस्ट में काउंट होता है, बाकी 2 पेपर होता है क्वालिफाइंग नेचर, वो है लैंग्वेजेस पेपर, एक इंग्लिश और एक इंडियन लैंग्वेज का। 2 लैंग्वेजेस का जो पेपर होते हैं वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। और फाइनली जो इंटरव्यू होता है वो आपका पर्सनैलिटी कैसे है वो देखा जाता है, ते हैं इसका सिलेबस एंड पेपर्स क्या है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी। अब सिलेबस को अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक एक करके जो पेपर वाइज सिलेबस, आज इस वीडियो में आपसे प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो हम बताएंगे। प्रीलिम्स के लिए पेपर 1 का 200 मार्क्स होता है, और इसका जो सिलेबस है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज एट्सेट्रा, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव एट्सेट्रा, जनरल इशूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज एंड फाइनली जनरल साइंस। तो ये सारे जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं ये प्रीलिम्स पेपर 1 का है जिसमें 200 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। पेपर 2 जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है जिसका सब्जेक्ट इस तरह का है, ये आपका मेंटल कैपेसिटी जांच करने के लिए, जैसे कि कम्प्रिहेंशन रहेगा इसमें, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी, यानी कि तो SSC का रीजनिंग मैथ एंड लैंग्वेज ये तीनों पेपर मिला के जो होता है वो आपको मिलेंगे इस प्रीलिम्स का पेपर 2 में। तो ये था प्रीलिम्स का पेपर। मेन एग्जामिनेशन में जो क्वालिफाइंग पेपर्स 2 लैंग्वेज पेपर है वो तो बता ही दिया। पेपर ए इंडियन लैंग्वेजेस का एक पेपर है, 300 मार्क्स का होता है, एंड पेपर बी इंग्लिश का एक पेपर होता है वो भी 300 मार्क्स का, यानी कि 600 मार्क्स का टोटल लैंग्वेज का पेपर है जिसका मार्क्स आपको, जिसमें आपको क्वालिफाई होना जरूरी है, बट ये जो मार्क्स है आपका मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है पेपर्स टू बी काउंटेड फॉर मेरिट। पेपर 1 है एसे का, आप इसके हेडिंग से ही देख सकते हैं जो एसे का पेपर है, यानी कि आपको निबंध लिखना होगा। आप इन सारे पेपर्स का जो मैं पेपर 1 से लेकर के पेपर 7 तक जो पेपर्स मैं बता रहा हूँ वो अपना लैंग्वेज में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसी का जो पेपर है 2 अलग अलग ग्रुप से एक एक ऐसे आपको लिखना होता है। तो इसी तरह का जो सब्जेक्ट है आप अभी से आप तैयार रहिए, इस तरह का जो है ऐसे आप लिखने का प्रैक्टिस कीजिए अभी से। पेपर 2 है जनरल स्टडीज 1 जिसमें 250 मार्क्स होता है। जनरल स्टडीज 1 इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ये सारी चीज कवर करता है। पेपर थ्री है जनरल स्टडीज 2 जिसमें मार्क्स होता है 250, और इसमें जो सब्जेक्ट कवर्ड है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। पेपर 4 में मार्क्स होता है 250। पेपर का नाम है जनरल स्टडीज 3 जिसमें सब्जेक्ट्स कवर होते हैं टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड रजिस्टर मैनेजमेंट। पेपर 5 जनरल स्टडीज 4 फुल मार्क्स होता है 250 जिसमें सब्जेक्ट कवर होता है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। पेपर 6 होता है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट में 2 पेपर होता है, पेपर 6 एंड पेपर 7, यानी कि ऑप्शनल पेपर 1 एंड ऑप्शनल पेपर 2 दोनों में मार्क्स होता है 250 250, यानी कि 500 मार्क्स का आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट आप आपका ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट था उनमें से ले सकते हैं, या फिर आपका जिन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ज़्यादा है वो सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। इसका भी एक लिस्ट है जैसे कि आप देख सकते हैं, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं एज एन ऑप्शनल पेपर। तो ये था मेंस। नेक्स्ट है आपका पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू। इंटरव्यू का जो फुल मार्क्स होता है 275 मार्क्स। अब इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जाता है, देखिए ये जो इंटरव्यू होता है
आप कितना मेमोरी में स्टोर किया हुआ है वो देखने के लिए नहीं होता है। ये इंटरव्यू यानी कि पर्सनलिटी टेस्ट ये जांच किया जाता है, जिसमें तीन चीज़ें जांच किया जाता है। इसमें आपसे पूछा जाता है जनरल क्वेश्चंस ऑन मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट। इंटरव्यू का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो पर्सनल स्टेबिलिटी ऑफ ए कैंडिडेट फॉर ए करियर इन पब्लिक सर्विस, ये एसेस किया जाता है। इसमें जज किया जाता है कि आपका मेंटल कैलिवर कितना है, कुछ क्वालिटीज़ जो कि मेंटल अलर्टनेस, क्रिटिकल पावर्स ऑफ एसिमिलेशन, क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन, बैलेंस ऑफ जजमेंट, वैरायटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट, एबिलिटी फॉर सोशल कोहेशन एंड लीडरशिप, इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल इंटीग्रिटी, ये सारी चीज़ें देखी जाती है इंटरव्यू में। टेक्निक ऑफ द इंटरव्यू इज नॉट दैट ऑफ स्ट्रिक्ट क्रॉस एग्जामिनेशन बट ए नेचुरल दो डायरेक्टेड एंड पर्पसिव कन्वर्सेशन विच इज इंटेंडेड टू रिवील द मेंटल क्वालिटी ऑफ द कैंडिडेट। यानी कि एक कैंडिडेट का जो मेंटल क्वालिटी है वो देखने के लिए ये इंटरव्यू लिया जाता है। तो इंटरव्यू एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। आप जस्ट प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, उसके बाद इंटरव्यू एक वाइटल पार्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन प्रोसेस। इंटरव्यू में आप क्वालिफाई करने के लिए आपको अपना पर्सनालिटी को डेवलप करना पड़ेगा। यूपीएससी को केवल एक मेमोरी डिवाइस नहीं चाहिए, उनको चाहिए एक आइडियल पर्सन जिसके अंदर ये सारी एबिलिटीज़ होंगे, डिसीशन मेकिंग एबिलिटीज़ होगा, प्रॉब्लम सॉल्यूशन का एबिलिटीज़ होगा, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी उसमें होगा और वो नेशन बिल्डिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये है यूपीएससी का ऑब्जेक्टिव। मेंस एग्जाम किसी भी लैंग्वेज में आप किसी भी स्क्रिप्ट में आप लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में लिखना है तभी आप आईएएस बन पाओगे। हिंदी, बंगाली, मराठी, उड़िया 22 अलग अलग लैंग्वेजेस है जिसका लिस्ट आप देख सकते हैं। इनमें से किसी भी एक लैंग्वेज में आप आंसर लिख सकते हैं एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर, यानी कि इंग्लिश जो लैंग्वेज पेपर है वो तो आपको इंग्लिश में ही लिखना होगा, और आपका जो इंडियन लैंग्वेज एक आपने चूज़ किया वो जिस लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हैं वो तो उसी लैंग्वेज में आपको लिखना होगा। इसका जो टोटल मार्क्स होता है इनमें से आपको दिखाते हैं कट ऑफ क्या था। 2019 का जो कट ऑफ अभी तक पब्लिश नहीं हुआ, ये फाइनल रिजल्ट निकलने के बाद ही पब्लिश होगा। 2018 का पीएससी सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन का जिसका कट ऑफ इस प्रकार था, जनरल के लिए 774 आउट ऑफ 1750, ओबीसी के लिए 732, एससी के लिए 719, एसटी के लिए 719 और डिसेबिलिटी का वेरियस कैटेगरीज के लिए 711, 696 और 520। तो ये था 2018 का था। 2017 का देख सकते हैं जनरल का कट ऑफ था 809 और 2016 का 787। तो आप देख सकते हैं कितना टफ होता है ये एग्जामिनेशन, 1750 में से 774। ये इस तरह का एग्जामिनेशन नहीं है जैसे कि स्कूल में देखा होगा बहुत साधारण सा जो बच्चों को 80% 90% मिल जाता है, इस तरह का एग्जामिनेशन ये नहीं है। इसमें आपका अंदर जो पोटेंशियलिटी है वो जज किया जाता है। तो एक एक मार्क्स उठाना इसमें बहुत मुश्किल होता है। इसका प्रिपरेशन इसको ध्यान में रखते हुए आपको करना चाहिए, इसका वेटेज को समझते हुए आपको प्रिपेयर होना चाहिए, तभी आप सफल होंगे। प्रिलिमिनरी पेपर्स आपको बताया दिया, जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 में क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 33% मार्क्स लाना ही पड़ेगा, यानी कि 200 में से 66 मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा। और प्रीलिम्स का पेपर 1 के बेसिस पे जो कट ऑफ डिसाइड होगा वो इस प्रकार है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का 2018 का जनरल कास्ट के लिए जो कट ऑफ था 98, यानी कि 2018 में जो लोग 200 में से 98 मार्क्स लेके आया था मिनिमम, वो मेन एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल था। ऐसे ही अदर कास्ट के लिए ओबीसी के लिए 96.6, एससी के लिए 84, एसटी के लिए 83 और हैंडीकैप के लिए जैसे देख सकते हैं 73, 53 एंड 40 मार्क्स फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड। ऐसे प्रीवियस ईयर्स का भी आप देख सकते हैं, 2017 का जो कटअप था जनरल का 105 था और 2016 का जो था 116 था। 2019 सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में
8 लाख लोग एग्जाम FER किए थे। प्रीलिम्स में जो 8 लाख कैंडिडेट्स FER किया था, जिनमें से 11,845 कैंडिडेट्स ओनली क्वालिफाइड फॉर मेंस एग्जाम। इनका इंटरव्यू यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट बाकी है, तो कुल जो वैकेंसीज होता है नियर अबाउट 1000। तो आप देख सकते हैं 8 लाख में से स्टेज वाइज रिजेक्शन का बाद 1000 लोग, केवल मात्र 1000 लोगों को मिलता है। बट इसके लिए आपको वरीड होने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीरियस कैंडिडेट बहुत कम ही होते हैं, और जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं, जो प्रॉपर स्ट्रेटेजी लेके प्रिपरेशन लेते हैं, उनको ये जॉब मिल जाता है। तो अगर आपका दिल में तमन्ना है IAS बनने का, एक क्लास वन ऑफिसर बनने का, तो आप ज़रूर बनेंगे। आप ये मत देखिए कितना वैकेंसी है, कितना लोग अपीयर किया था, कितने लोगों को मिल रहा है। आप सिर्फ ये ध्यान दीजिए अपनी तैयारी पे। एक IAS कैडर का जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार है। इनिशियल लेवल पे एक IAS कैडर का ऑफिसर ज्वाइन करते हैं, उनका बेसिक एंट्री लेवल सैलरी IAS, IPS, IFS और इक्विवेलेंट ग्रुप ए कैडर का जो सैलरी होता है 56,100 होता है इनका बेसिक पे। टोटल सैलरी इंक्लूडिंग DA, HRA ऑन एंड ऑल अलाउंसेस मिला के लग 1 लाख के आसपास होता है। और जैसे सर्विस बढ़ता जाएगा, प्रमोशन होता रहेगा, करियर अपॉर्चुनिटीज आगे आता रहेगा, ऐसी सैलरी भी बढ़ता है। हाइस्ट सैलरी जो है कैबिनेट सेक्रेटरी का होता है, वो उनका बेसिक पे 2,50,000। तो दोस्तों आपने देखा वो सारे चीज जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपने देख लिया। तो अब आप बिल्कुल तैयार है इस एग्जामिनेशन का समंदर में कूदने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपका जो चीज़ होना चाहिए, फर्स्ट एंड फर्स्ट चीज़ वो है आपका ड्रीम। अगर आपका ड्रीम है एक IAS बनने का, एक सिविल सर्वेंट बनने का, एक IPS बनने का, या क्लास वन ऑफिसर बनने का अगर सपना आप में है, तो आप बनोगे। मैं कह रहा हूँ आप एक दिन जरूर बनोगे, बट उसके लिए आपको कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे। वो तरीके क्या हैं वो बताएंगे अगले वीडियो में। आप देखते रहिए मेरे इस चैनल को, और आप पाइए अपने ज़िंदगी में मैक्सिमम सक्सेस। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।